जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं अंजलि नारायण नगर दिल्ली में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी से बने हुए नगेट्स, तो आइए शुरुआत करते हैं। सूजी नगेट्स बनाने के लिए मैंने लिया है एक बोल में सूजी, चार उबले हुए आलू जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, चिली फ्लेक्स और नमक। आइए शुरुआत करते हैं। कढ़ाई ली है मैंने, अब मैंने इसमें डाला है दो बोल पानी। हमने एक बोल में सूजी ली है तो उसे डबल हमें पानी रखना है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक आप स्वाद अनुसार डालें। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल। पानी हमारा गर्म होने लगा है, अब हम इसमें डालेंगे सूजी। सूजी हमें धीरे धीरे डालनी है और एक तरफ से चम्मच से इसे चलाते रहना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। देखिए सूजी डालते हुए ये कितना गाढ़ा हो गया है। हमें 2 मिनट तक गैस पर इसको पकाना है ताकि सूजी हमारी पक जाए। इसे 2 मिनट हो गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे हमें प्लेट पर इस तरह से फैलाना है और 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ना है ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा ठंडा करना है जिससे हम जो और वेजिटेबल्स इसमें मिलाएंगे वो अच्छे से मिल जाएं। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे आलू। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से हमें आटा तैयार करना है इसका। अब हम हाथों को थोड़ा सा तेल से ग्रीस करेंगे और अब हम चम्मच से थोड़ा थोड़ा इसका मिक्सचर लेंगे और हाथों से नगेट्स का शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से आपको शेप देना है। ये देखिए इस तरह से हमें इन्हें बनाना है। आइए अब इन्हें तल लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, आइए इन्हें तल लेते हैं। इन्हें बीच बीच में पलटते रहना है। ये देखिए ये सिक चुके हैं, आइए इन्हें निकाल लेते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक ही भूनना है। ये देखिए सूजी नगेट्स बनकर तैयार है। अब हम इस पर रखते हैं तुलसी का पत्ता क्योंकि हमारे ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।